हेलो भाई, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज सालसा, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सालसा बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, फ्रेश टमाटर लिया है मैंने, और ये मैंने बीटरूट लिया है एक, और मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है, तो ये वाइट पार्ट है, और जो ग्रीन पार्ट है धनिया है, ककड़ी है, तीन मैंने हरी मिर्च ली है, तो इनको मैंने अच्छी तरह से सब धो करके साफ़ कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। देखिए मैंने सारी वेजिटेबल को मैंने चॉप कर लिया है, और मैंने ये ककड़ी, बीटरूट और प्याज को फील आउट करके मैंने चॉप किया है। तो चलिए इसे अब हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक चॉपर लिया है, अब उसमें मैं सबसे पहले प्याज ले लूँगी, इसी में हम ककड़ी ले लेंगे, अब इनको हम चॉप कर लेते हैं। देखिए मैंने चॉप कर लिया है अनियन और ककड़ी को, ये देखिए इस तरह से हमको चॉप करना है। तो इस तरह से मैं सारी वेजिटेबल चॉप कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने सारी वेजिटेबल को चॉप कर लिया है। हाफ टी स्पून हम चाट मसाला लेंगे, हाफ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स लेंगे, हाफ टी स्पून हम धनिया और सौंफ का पाउडर लेंगे रोस्टेड, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, ये मैंने छोटा सा अदरक चॉप किया है ये हम ले लेंगे, लहसुन मैंने 6-7 कलियाँ मैंने फिल आउट कर लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है, तो ये ले लेंगे, एक नींबू का जूस लेंगे हम, एक चम्मच हम धनिया पुदीने की चटनी लेंगे, दो चम्मच हम टोमेटो केचप लेंगे, अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी हमारा मिक्स वेज हमारा सालसा है। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि हमारा सालसा कैसे बना है। वेज बनके तैयार है हमारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारा मिक्स वेज सालसा। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।